खबर चौमेला से। झालावाड़ जिले के राजकीय महाविद्यालय चौमेला परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लिखित आश्वासन के बाद भूख हड़ताल समाप्त की। आपको बता दें, चौमेला कस्बे में 5 वर्ष पूर्व राजकीय महाविद्यालय बना था, जिसकी करोड़ों रुपए की लागत से बड़ी बिल्डिंग सहित आवश्यक भौतिक संसाधन पूरे हो चुकी है। फिर भी यहां परीक्षा सेंटर नहीं होने से डक चौमेला गंगधार क्षेत्र के विद्यार्थियों के करीब 120 किलोमीटर दूर भवानी मंडी परीक्षा देने जाना पड़ता है। भूख हड़ताल की सूचना पर विधायक कालूराम मेघवाल व प्रशासनिक अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंचे और आयुक्तालय जयपुर तथा यूनिवर्सिटी कोटा से बातचीत कर कार्यकर्ताओं को आगामी सत्र में केंद्र बनाने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिस पर उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त की। इसी साल तो परीक्षा कल से चल रही थी, इसी साल तो संभव नहीं, अगले साल के लिए हमारी मांग है। किस आधार पर आपने आज भूख हड़ताल समाप्त करवाई है? आज जो ही मुझे सूचना मिली, मैंने संजय जी नायक आयुक्त जयपुर से बात करी और कोटा भी हमने कोटा बात करी और उसके बाद मैंने प्रिंसिपल साहब से बात करी, एचएम साहब से बात करी और इन सबसे हमारे छात्राओं से सबसे बात करके कि जो मांग थी उस मांग के ऊपर जो फर्नीचर की बहुत बड़ी कमी थी, यहाँ फर्नीचर की वजह से परीक्षा सेंटर नहीं खुल रहा था। परीक्षा सेंटर को लेकर मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया था, बाकी सरकार ने बताया था कि वित्तीय संसाधन के अभाव में अभी फर्नीचर नहीं मिल सकता है। तो जो विधायक फंड से मैंने आज घोषणा करी है कि 400 जो फर्नीचर आएंगे वो मैं विधायक फंड से कितने भी राशि लगे मैं लगाऊंगा और सारे अधिकारियों से बात करने के बाद सभी छात्राओं ने मेरी बात मानी है। तो इसी प्रकार हमने सबको आज अनशन तोड़वाया और मैं सभी छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो अनशन तोड़ा और जो अपने परीक्षा केंद्र अगले साल से 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर